और यहाँ पर भी कुछ मनहरत वाकयात मिलते हैं। बदर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुबाब बिन मुंदिर आकर कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने यहाँ पर पड़ाव क्यों डाला? क्या ये आपकी राय है या अल्लाह ताला की वही है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये मेरी राय है। तो हुबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये जगह मुनासिब नहीं, वहां ठहरना चाहिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना डिसीशन बदल लेते हैं। ये ज़ईफ है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते थे, ये बात सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मशवरे होते थे, बात सही है, लेकिन ये वाकया इस शक्ल में सही नहीं है। इसी तरीके से अवकाशा, हमारे जो जज्बाती मुकर्ररीन होते हैं, सीरत को उन्होंने अजीब बना दिया। लोग ऐसा लगता है कि सीरत क्या है, किस्सों का अंबार है या फिर तकरीर शोला बयानी दिखाने का एक मरकज बना हुआ है। सही सही वाकया पढ़ना है, इल्मी तौर पर सीरत पढ़ेंगे तो ईमान नसीब होगा। अवकाशा बिन महसिल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी देते हैं जंगे बदर में। वो कहते हैं कि लकड़ी से क्या होगा, जैसे वो लकड़ी को पकड़ते हैं तो लकड़ी तलवार बन जाती है। ज़ईफ रिवायत, ज़ईफ रिवायतों को फैलाने को इधर, एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां देखते जाइए, मेहनतें देखते जाइए, और दूसरी तरफ जहन से मनगढ़ंत वाकयात निकालते जाइए। मुख्तसर सीरत में मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। कुर्बानियां क्या है जानते हैं आप? अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 27 गजवा हुआ, गजवा माने जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए। सरिया कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा के फला लश्कर देकर, लेकिन आप नहीं थे, उसको कहते सरिया। और जो सरिये थे वो 73 थे और जो गजवा था वो 27 थे, यानी लगभग 100 के करीब। अगर आप उनकी तारीखें पढ़ेंगे ये गजवात की ना, या तो रमजान से पहले हुआ गजवा, या तो रमजान में जैसा कि बदर फतह मक्का, या तो रमजान के फौरन बाद होता है। इसका मतलब ये निकला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी रमजान सुकून का नहीं मिला। और हमारे पास क्या, रमजान मुबारक आते ही पूरा फ्रिज भर जाता, तो रोजे में है ना, बहुत रोजे में बेचारा, अब फुल खाना ही खाना है। और इफ्तार के बाद तो पूरे होटलों में नजर आएंगे, क्यों, रोजा रखे, दिन भर बहुत भूखे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना नसीब, पीना नसीब नहीं। हमारे मुसलमान कहते हैं खाना पेट भरने के बाद डकार लेते हैं, मीठा खाना भी सुन्नत है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे भूखे थे, वो सुन्नतें कहां गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खाने से पहले भी मीठा खाते थे, दलील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार किस पर करते थे? खजूर। खजूर मीठा होता है, खारा होता है? अरे भाई वो टॉपिक छोड़ दो, पहले भी मीठा खाओ बाद में मीठा खाओ, और अल्लाह ने दिया है, लेकिन मीठे मीठे में ही मत रह जाओ, जरा कुर्बानियों की जिंदगी पर भी तो आ जाओ, मेहनत वाली जिंदगी पर भी तो आ जाओ। इस्लाम को हासिल करने के लिए आपने कितना टाइम दिया? क्या कुरान मजीद के रोजाना कम से कम 2 पारे पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं? नहीं करते हैं। कुरान मजीद समझकर पढ़ने के लिए कितना टाइम हो गया? और सीरत जो हम पढ़ते हैं अभी तक 50 साल में जो किताबें लिखी गई, अर-रईफुल मख्तूम रहमतुल्लिल आलमीन, मशहूर किताब है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं इन दोनों किताबों की, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों किताबें मुकम्मल ऑथेंटिक नहीं है। इससे भी ज्यादा ऑथेंटिक आ चुकी है, वो कब पढ़ेंगे, अपने लाइब्रेरियों में कब लाएंगे वो किताबें? डॉक्टर महदी रिस्कुल्लाह की किताब सीरतुल नबी, बड़ी जबरदस्त किताब, हवालों की भरमार है। सूडान के रहने वाले आलिम, जामिया मलिक सऊद यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले दत्तूर और प्रोफेसर, बेहतरीन किताब। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की सही अस-सीरा नबविया, जबरदस्त किताब। डॉक्टर अकरम जिया लमरी की अस-सीरा अस-सहिया, अस-सीरा नबविया सहिया, जबरदस्त किताब। शेख अस-सबियान की अस-सही मिन अस-सीरा नबविया। पांचवी किताब माशा वलम यहबुद, जो किस्से मशहूर तो है लेकिन साबित नहीं है, शेख अल-उशन की किताब। ये किताबें बहुत जबरदस्त है। और इसी तरीके से शेख वहीद अब्दुल सलाम अल-बाली की किताब, ये किताबें अपने मकतबे, कम से कम डॉक्टर महदी रिस्कुल्लाह की बुक जो इंग्लिश में है, उर्दू में है, अरबी में है, अपने मकतबे में जरूर रखिए। इसकी बुनियाद पर सीरत के फैसले कीजिए इंशाअल्लाह।